प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली राजा रियाज हमारे साथ हैं। राजा साहब, मुस्लिम लीग आप पहले ऑपोजिशन में थी, अब आप मुश्तरका तौर पर ऑपोजिशन में हैं, क्या आगे चलकर ये इत्तेहाद बन पाएगा? देखिए जी, वो उनके जो मेंबरान है उन्होंने भी अपोजिशन का रोल अदा करना है, हमने भी अपोजिशन का रोल अदा करना है, तो एक नेचुरल मुफाहमती अमल तो शुरू हो जाएगा। आगे वो किस हद तक बढ़ता है इसका फैसला क़यादत ने करना है, ना उनके पास ये अख्तियार है, चौधरी ज़हीर साहब के पास ना मेरे पास ये अख्तियार है। ये अख्तियार क़यादत का है कि इस जो आपस में बैठ के एक थोड़ा सा मुफाहमती माहौल बनेगा उसको आगे कहाँ तक लेके जाना है। ये बहरहाल ये बात तो तय है कि मुस्लिम लीग नून को अब पंजाब के अंदर एक टफ अपोजिशन का सामना होगा, बहुत सख्त अपोजिशन का सामना होगा, उस अपोजिशन का सामना होगा जिसको आज ही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फेस नहीं कर सके, इनमें इतनी टैलेंट ही नहीं है कि ये इस अपोजिशन को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा रियाज हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, पंजाब में ऑपोजिशन लीडर, उनका कहना था कि हम सख्त ऑपोजिशन साबित होंगे। अब हम बात करेंगे, अब से कुछ रोज कबल इसी प्रोग्राम में हमने पंजाब में जहरीली गंदम बेचे जाने के स्कैंडल के हवाले से एक इंकशाफ किया था और ये कहा गया था कि डेरा गाजी खान के महकमा खुराक ने जहरीली गंदम बेची है और इसके लिए टेंडर दिया गया अखबार में और अखबार में इश्तिहार दिया गया और उसके बाद इस गंदम को बेचा गया और इसके साथ ये मेंशन किया गया था कि ये जो गंदम है ये जानवरों के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जिन जिन लोगों ने यह गंदम खरीदी उन्होंने आगे इसको ज़ाहिर सप्लाई किया, जिसके नतीजे में जो मुख्तलिफ इतलात सामने आई उसमें कहा गया कि जानवर भी ये जहरीली गंदम खाने से हलाक हो गए। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने 22 फरवरी को ये फैसला दिया था कि जहरीली गंदम ना बेची जाए, लेकिन इसके बावजूद पंजाब का महकमा खुराक इस गंदम को बेचता रहा। सैलाब ख़त्म हुए अब तकरीबन 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर इस सैलाब की वजह से खुराक से जहर में तब्दील होने वाली गंदम अभी तक महकमा खुराक के सेंटर्स में इर्द गिर्द की आबादियों के लिए भी एक ज़बरदस्त मसला बनी हुई है। जहां लोगों के लिए अजियत बनी हुई है, वहां महकमे के अरबाब इख्तियार इस जहर को फरोख्त करने के लिए अभी भी पार्टियां तलाश कर रहे हैं। ज़रई तहकीक के पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे नायाब फैसलाबाद ने इस गंदम के नमूने लेकर उनका जायजा लिया तो अपनी रिपोर्ट में इसे इंसानी और जानवरों की जानों के लिए मुज़र करार दिया। अब सैलाबी इलाके राजनपुर के एक इलाके कोटला मुगला के महकमा खुराक के तबाहशुदा गोदाम के इर्द गिर्द के रिहायशी अफराद पर जाहिर है एक और मसला बन के ये सामने आया है, क्योंकि जहरीली गंदम की बदबू 1.5 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है और इसको हाथ में पकड़ने से हाथों में शदीद जलन होने लगती है और इसमें ज़्यादा देर हाथ रखा जाए तो नाखनों की पोरों से खून निकलने लगता है। ताफुन इस कदर फैल चुका है कि इससे सैकड़ों लोग मुतासर हुए हैं, बीमार हुए हैं और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो बीमारियाँ हैं वो भी फैल गई हैं। महकमा खुराक कामला इस जगह को इसी तरह छोड़कर जा चुका है और इसके साथ साथ इन इलाकों में अब जो जानवर हैं वो भी जाहिर है कि इस इलाके का रुख नहीं कर पा रहे और मवेशी भी इससे मर रहे हैं। ये इस बात को हमने पहले भी अपने इस प्रोग्राम के जरिए मेंशन किया था कि नौशहरा में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक गोदाम था जिसमें सैलाब की वजह से गंदम जहरीली हो चुकी थी, उसने उसको तल्फ करने के लिए इकदाम शुरू किए हैं, क्योंकि उसमें यह कहा गया था कि ना तो जाहिर है कि इंसानों के लिए तो यह गंदम इस्तेमाल नहीं हो सकती बल्कि जानवरों के लिए भी ये गंदम इस्तेमाल नहीं हो सकती। इसी बात को लेके लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था और यह हुक्म इम्तनाई 22 फरवरी को जारी हुआ था, मगर इसके जारी होने के बावजूद अब भी महकमा खुराक पंजाब ये गंदम फरोख्त करने पर तुली हुई है। हमारे ही इस प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में अब से कुछ रोज़ कबल जब हमने पंजाब के वज़ीर ख़ुराक चौधरी अब्दुल गफूर से इस हवाले से बात की तो उन्होंने अपना नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से बयान किया। बिल्कुल, इन चीजों को चेक करूंगा और एज ए पॉलिटिकल वर्कर आई डोंट केयर अबाउट द मिनिस्टरशिप। मैं समझता हूं कि इस वक्त मेरे सूबे का चीफ मिनिस्टर अपने आप को अगर खादम आला कहते हैं तो मुझे भी बतौर वजीर अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं भी एक खादिम हूं, खिदमत के लिए हम आए हैं। हमारी कौम किसी सूरत अब ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि इसके साथ कोई तमाशे किए जाएं। अब काम करने का वक्त है और जो काम करेगा वही साइड कर सकता है। अब मीडिया ने इतनी अवेयरनेस दे दी है, आम एक इस मुल्क के क्या दुनिया के
चौथे कॉर्नर में भी अगर कोई बूढ़ी औरत कहीं बैठी है तो उसे भी पता है कि आप ट्यूनस में और मिस्र में कहां कहां पे क्या हो रहा है। तो हम इंशाल्लाह इसको मजीद बेहतरी लाने की हम इसमें बिल्कुल हम उसके लिए कोशा हैं। चीफ मिनिस्टर साहब के वीएन के मुताबिक हम काम कर रहे हैं, फिर भी खराबियां मौजूद हैं। मैं ओन करता हूं, हालांकि यहां पे कोई अपनी खराबियों की अपनी गलतियों का एतराफ नहीं करता, बट मैं ओन करता हूं, लेकिन ये खराबियां 64 साल से हुई हैं, ओवरनाइट ये ठीक भी नहीं हो सकती। ये तो हमने आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए, आप हमसे तवक्को रखें कि आप इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इसमें मुलविस हैं। जो भी कहीं किसी भी गलत एक्टिविटी में कोई भी बंदा, किसी लेवल का कोई बंदा अगर इन्वॉल्व हो तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना है। ये चीफ मिनिस्टर का वीएम है, उनकी टीम में वही शख्स रह सकता है जो कायदे कानून के मुताबिक चले, जो जो करप्ट आदमी। तो हमारे बहुत शुक्रिया। आज भी हमने पंजाब के वज़ीर ख़ुराक चौधरी अब्दुल गफूर से इसी मामले पर बात करने की कोशिश की कि आपने हमसे वादा किया था कि इसमें मुलविस लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने हमारी टीम को बताया कि वो इस मामले पर अपडेटेड नहीं हैं, लिहाजा वो इस पर बात नहीं कर सकते। अब इस हवाले से क्या मसला सामने आया है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आशिक खलूल ने। जी आशिक, बताइए कि इस जहरीली गंदम के हवाले से अब मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी जवेद इकबाल, आज ही मैं गया था कोटला मुगला, वहाँ फूड सेंटर है जो कि जहाँ का जो इंचार्ज है वो फूड सेंटर का, वो हमें देखकर भाग गया है। वहाँ हालत ये है कि जो गंदम पड़ी हुई है वो इतनी जहरीली है कि जो साथ साथ आबादी है उनके काफ़ी लोग इसकी बदबू की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए हैं, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं। एक औरत समेत 3 अफराद हलाक हो चुके हैं, लेकिन महकमा फूड वाले टस से मस नहीं हुए। उन लोगों का ये कहना है कि 6 माह हो गए हम चीख रहे हैं कि यहाँ से गंदम उठाई जाए या इसको तलब किया जाए, लेकिन फूड वाले हमारी सुनते ही नहीं है। जी जवेद इकबाल, नहीं लेकिन अब जब आप गए थे और आपने उनसे बात की तो उनका मौकफ क्या है? हाँ, खुराक वाले कहते क्या है, वो आपसे बात ही नहीं करना चाहते? जी जी, मेरी फूड का जो इंस्पेक्टर था उससे बात हुई है, उसने कहा है मैं आपको इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। मैंने उनको कहा है कि इसको अदालत ने आर्डर भी जारी किया है कि इसको तलब किया जाए, उसके बावजूद अगर आप इसे फरोख्त कर रहे हैं तो यहाँ से उठवाएं, इसी गंदम की वजह से यहाँ बीमारियां फैल रही है। तो उसने फौरन ही फोन काट दिया है हमारा। जी नहीं आशिक, का क्या लाहौर हाई कोर्ट का जो मुल्तान बेंच है उसकी जानिब से जो फैसला किया गया है या जो हुक्म इम्तनाई जारी हुआ है, क्या ये इस महकमे तक पहुंचा नहीं है क्या? जी, जो मेरी आज फूड इंस्पेक्टर से बात हुई है जवेद इकबाल साहब, आप यकीन करें वो ये कहते हैं कि मेरे तो इल्म में भी कुछ नहीं है, मेरे इल्म में कुछ नहीं है। एक बंदे के इल्म में कुछ नहीं है तो वो कैसे फूड इंस्पेक्टर कैसे हो सकता है? इनका डायरेक्टर है, उससे भी मेरी बात हुई है, उसने कहा है नहीं जी ऐसा कोई मामला ही नहीं है। डायरेक्टर ने कहा है जो लाहौर बैठे हुए हैं अंजुम साहब, उसने कहा है बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मौके की फुटेज है, लोग चीख रहे हैं, वहाँ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए हैं, 3 अफराद हलाक हो चुके हैं। आप यकीन करें दर्जनों जो बच्चे हैं वो इस बीमारी की वजह से बिस्तर में पड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आशिक खलूल, दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि महकमा खुराक को लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच के फैसले की कोई परवाह ही नहीं है। ये हम आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी जो नायाब है उनकी रिपोर्ट हमारे साथ है, ये हमने पहले भी आपको दिखाई थी, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसने ये बिल्कुल इसको क्लियर करके ये लिखा गया है कि जो टेस्ट हुआ है उसके मुताबिक एज फॉर एज एफ्लाटॉक्सिन्स आर कंसर्न्ड, ये आप देख सकते हैं, द सैंपल इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन और एनिमल कंजम्पशन। ये है न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी की रिपोर्ट। और इसके साथ साथ ये दूसरा फैसला है लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का, जिसमें यह कतई तौर पर यह करार दिया गया है कि जहरीली गंदम को ना बेचा जाए, लेकिन इसके बावजूद इस गंदम को बेचा जा रहा है और यकीनी तौर पर पंजाब हुकूमत के महकमा खुराक पंजाब के लिए ये एक अहम सवाल है कि इन लोगों के खिलाफ ना तो अब तक कार्रवाई हुई है और ना ही इस जहरीली गंदम को बेचने का सिलसिला रुका है। हमारा ये फोरम, हमारा ये प्रोग्राम न्यूज़ वॉच
हाजिर है पंजाब के वज़ीर ख़ुराक चौधरी अब्दुल गफूर के लिए कि अगर वो अपना नुक्ता नज़र देना चाहते हैं तो वो हमसे बात करें, क्योंकि आज हमारी टीम ने उनसे बात की। उनका कहना था कि वो इस मामले पर अपडेटेड नहीं हैं, लिहाजा वो बात नहीं कर सकते, वो पहले एक बार बात कर चुके हैं। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।